त्रिशाल दोस्तों, मेरा नाम है श्रद्धा और आपका स्वागत है हमारे जोशीमठ ब्लॉगर के दूसरे व्लॉग में। और आज इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पहाड़ की शादी जो है मेरे मामा की। तो चले आपको दिखाते हैं पहाड़ की शादी। और पहाड़ की शादी में बहुत मजा आता है जो आपको इस व्लॉग में देख के लग ही जाएगा। और अभी हो रहा है यहाँ मंगल स्नान। पहाड़ों में बुजुर्ग महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाया जाता है। मंगल गीतों के बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। पहाड़ों में मंगल गीतों का एक विशेष महत्व है। गाइस, इस सुंदर सी टोकरी में दूल्हे का सेहरा और शेरवानी रखी गई है। और देखिए कितनी सुंदर पगड़ी रखी गई है दूल्हे के लिए। Oh,
चुकी है एंड्री और बगल पे है हमारी बूढ़ी जो है खैरी और उनको हो चुके हैं 100 ईयर क्रॉस जो अब 105 साल की। बूढ़ी मतलब पापा की नानी। काफी देर बाद बड़े भाइयों को भी मौका मिला है धूले पे हल्दी लगाने का। इसी बीच पहाड़ी स्नैक्स भी आ चुके हैं जो है आरसा, बिस्किट, बूंदी और साथ में कुछ पकौड़ियाँ। और आरसा तो आपको पता ही है पहाड़ी मिठाई के नाम से फेमस है। मंगल स्नान का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। अब सभी लोग कल्याणी का आनंद ले रहे हैं। कल्याणी मतलब स्नैक्स। सो गाइस, ये भी एक परंपरा है। दूल्हे को कुछ देर भिक्षा मांगनी पड़ती है ताकि वो ब्रह्मचार्य जीवन से ग्रस्त जीवन में आ पाए। सो गाइस, दूल्हे को अपनी बहनों से भी भिक्षा लेनी पड़ती है, जैसे कि अभी मयंक मामा मम्मी से ले रहे हैं। सो गाइस, दूल्हे को घर घर जाके भी भिक्षा लेनी पड़ रही है और साथ में अपनी भाभियों से भी। मंगल स्नान और आरती के बाद दूल्हा बन चुका है वर नारायण और आज के दिन उनकी तुलना होगी नारायण भगवान के साथ। सो गाइस, लगता है मेहमानों को बहुत भूख लगी थी इसलिए वो खाने पर टूट पड़े। सो गाइस, हमें यहाँ बहुत से सब्सक्राइबर मिले जिन्होंने मेरी बहुत तारीफ की, तो अच्छा लगता है ये सब सुन के। सो गाइस, अभी भी पहाड़ों में ये परंपरा चलती आ रही है कि जहाँ खाना बनता है वहाँ सब बैठ के खाना खाएं और बहुत अच्छा लगता है कि ये परंपरा अभी तक चल रही है पहाड़ों में। सो गाइस, ये खाना बनाने का काम सरूल पंडितों का है। सो गाइस, पतीले में बना भात और गेडुल में बनी दाल के साथ साथ केसर भात, मजा ही आ गया खाके। सो गाइस, वर नारायण को भी भूख लग गई है तो वो भी खाना खा रहे हैं। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं आपको मिलता हूँ अगले व्लॉग में जिसमें हम आपको दिखाएंगे महिला संगीत और मेहंदी। बाय बाय। I'm not afraid.